इशारों इशारों में दीपक जी ने सारा का सारा जो है जाम सारा आरोप सपा के माथे पे मढ़ दिया है कि हम तो उस गंदगी की सफाई कर रहे हैं जो सपा की साइकिल लेके आई थी और प्रदेश में फैला दिया था। रहे साहब, अभी हम दीपक जी को सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि इनको अब पता चला है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद नामक माफिया, अभी तक तो पता ही नहीं था इनको कि उत्तर प्रदेश में इस टाइप का कोई माफिया। इन्होंने बताया ना कि बीज लगाया, पानी डाला, पेड़ हुआ। इतनी अंधी सरकार है, इतना बड़ा पेड़ हो गया ये बता रही है और इसे पता ही नहीं चला, उसी से टकरा गई जा करके। बीज लगाया, पेड़ हुआ, इनका पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माफिया कौन कौन है। समाजवादी पार्टी तो बार बार चिल्ला रही है कि आप हर जिले से टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाओ ना, अब बना करके ऐसे अपराधियों के ऊपर काम करो। जेल इनका, सरकार इनकी, प्रशासन इनका, खुफिया इनका, इंटेलिजेंस इनका, समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना है। इनके जेल में बैठ के षड्यंत्र रचा जाता है, इनका इंटेलिजेंस फेलोर होता है, इनकी खुफिया फेलोर होती है। असल बात की देखिए कुछ और है, वहां के भी एक मंत्री महोदय है इलाहाबाद के, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं ये क्या है, खेल कैसे रचा गया है, ये सबको पता है, धीरे धीरे पूरे प्रदेश को पता। इससे पहले भी ये जो है गलबैया खेलते रहे अतीक अहमद से, याद होगा आपको बहुत पहले रीता बगुड़ा जोशी जी चुनाव लड़ रही थी, जब देखा कि कहीं ना कहीं चुनाव गड़बड़ हो रहा है तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रातों रात अतीक अहमद को चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के इलाहाबाद जेल शिफ्ट करना पड़ा। ऐसा कौन सा लीक पोल मिल गया रातों रात, क्यों शिफ्ट करना पड़ा। देखिए बहुत पुराने बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, थोड़े रिश्ते अभी खराब होने लगे थे अतीक से इनके, क्योंकि अतीक की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी और कहीं ना कहीं मंत्री महोदय जो वहां है उनकी पत्नी जो है वहां से मिल, ये सब इन लोगों का किया धरा है। और जो पाला पोसा जा रहा था जिस पे 6 साल से पानी डाल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसे आप ये बताइए, कहते हैं कि अपराधी है, अपराधी सुनिए रजत साहब एक बात सुन लीजिए, बड़ा एक ऐसा प्रश्न है कि आप अपराधियों की पहचान कैसे करेंगे, कौन अपराधी है। जब कोई दनादन गोली मार देगा, 4 लोगों की हत्या कर देगा, तभी जानेंगे क्या अपराधी है। कुछ ऐसे भी मंत्री महोदय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में भी बैठते हैं, 51, 52, 54 पता नहीं कितने केसेज है। अब उस अपराध को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि ये छोटा अच्छा वाला अपराधी है, ये बुरा वाला अपराधी है, ये बड़ा हीनियस क्राइम करता है, वो हीनियस आप कैसे पहचानेंगे। आखिर कहीं ना कहीं से आपको अपराध को डिफाइन करना पड़े। जब सत्ता में अपराधी खुद ही बैठे हो तो आप अपराधियों की पहचान कैसे कर लेंगे। इनके मंत्री महोदय आपने देखा ही है पहले किसानों की कैसे निर्मम हत्या करते हैं, उसके बाद गृह राज्य मंत्री बने रहते हैं, उनका लड़का जिसके ऊपर चार्जेज आया है। तो ये सारे बोया सोया से भी नहीं कहा है, ठीक है, ये सारे अपराध इन्हीं की देन है। गुजरात से शुरू होता है, यहाँ की जेल से षड्यंत्र रचा जाता है सारे सरकार इनके, और कहते हैं नहीं जीरो टॉलरेंस है। कौन सा, ये सब बहुरुपिया लोग है। अभी आप इनकी बात सुन रहे होंगे तो एक चीज देखे होंगे, इससे पहले भी आपने डिबेट किया होगा, एक ही झूठ के पाठशाला का रटा रटाया पन्ना वही बोल देना है, उससे आगे कुछ आना नहीं है। ये सब झूठे फ्रॉड है, ये लोग जो है एक पाठशाला चलाते हैं झूठ की।